क्या सच में पवन सिंह और ज्योति सिंह की बिगड़ी गृहस्थी के पीछे है अक्षय सिंह का ही हाथ? मीना मानवी ने बातों ही बातों में क्यों अक्षय सिंह पर साधा है ये बात कहकर निशाना। पवन सिंह, ज्योति सिंह और इनके बीच ना चाहते हुए भी आई अक्षय सिंह, ये तीनों नाम लगातार एक साथ ना चाहते हुए भी अब आ रहे हैं। हालांकि अक्षय सिंह लगातार अपने हाल फिलहाल के इंटरव्यूज में ये साफ करती रही हैं कि उन्हें इस मामले में जबरदस्ती का घसीटा जा रहा है, उनका इससे लेना देना नहीं है। बल्कि उल्टा ज्योति सिंह ने उन्हें कुछ दिनों ही पहले फोन करके पूछा था कि वो क्या उनके लिए बयान देंगी, क्या उनकी मदद इस मामले में पवन सिंह के खिलाफ करेंगे बयान देकर। ऐसे में मीना मानवी ने, जो एक महिला समाज संस्थान की सदस्य है और लगातार इस मामले में दोनों पक्षों की बात सामने रख रही है, दोनों पक्षों का जुड़ाव करवा रही है, उन्होंने इस मामले में फिर एक नया एंगल पेश किया है। उनका कहना है कि इन दोनों की गृहस्थी में आग लगाने के पीछे वही शख्स है जो आज अपने आप को साफ बता रहा है। और क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। ज्योति सिंह ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है कि पवन सिंह ने उन पर हाथ उठाते थे या उनके साथ किसी भी तरह की हाथापाई करते थे। हाँ, उनका एक आदत है कि वो गुस्से में सामान तोड़ा फोड़ी कर देते हैं, फेंक देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, लेकिन हाथ नहीं उठाया। महिलाओं पर वो हाथ नहीं उठाते, बल्कि सामान को तोड़कर अपना गुस्सा, अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। अरे, वो शख्स का एक बार बैंक बैलेंस इतना कम हो गया कि क्या बताए। वो व्यक्ति कहते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उनके पढ़े लिखे नहीं होने का बहुत लोगों ने नाजायज फायदा उठाया है। वो अपना ATM से लेकर क्रेडिट कार्ड तक हर एक चीज उन तमाम लोगों के हाथ में दिए थे एक वक्त में, उन जो उनके साथ थे। और ज्योति सिंह ने अक्षय सिंह को लेकर जो जो बातें शुरुआत में बताई हैं, उसमें पूरी की पूरी सच्चाई है। मैं खुद कान से अब सुनकर आ रही हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योति सिंह से हमें आज भी सिंपथी है, लेकिन अब जब शादी हो गई थी तो इतना जहर किसी की जिंदगी में किसी को भी घोलना अच्छी बात नहीं। अगर ये तीसरा शख्स नहीं आता तो आज इनका 3 साल का बेटा या फिर बेटी होती, इनका परिवार बसा होता अच्छे से। जब से वो लेडी एंट्री मारा है, ऑडियो वीडियो भेजे हैं, तब से इनका रिश्ता खराब हुआ है। हमने खुद सामने से सब कुछ देखा है, दिखाने लगे तो सालों साल कम पड़ जाएगा। दीपक जी और पवन सिंह ने इतना कुछ दिखाया बताया है। पवन और ज्योति के रिश्ते का भगवान ही मालिक है, क्योंकि मामला कोर्ट में है। हमने कोर्ट से बाहर मामला सुलझाने की बहुत कोशिश की, मगर ज्योति सिंह का बार बार मिलने पहल करने से इनकार करना गलत दिशा में जा रहा है। अब पवन सिंह जी का भी ईगो हर्ट होगा ना, एक आदमी कितना झुकेगा। पवन सिंह भी पहल करते थक गए हैं, वो भी हमसे जाते हुए कहने लगे कि अब कोर्ट में मामला है, वही आर पार की बात होगी। दीदी, कितना आगे बढ़कर बात करूं, पहल करूं मैं। यकीनन मीना मानवी ने यहां नाम तो नहीं लिया, मगर वो जिस महिला की बात कर रही है और ज्योति सिंह ने आरोपों में जिस महिला के बारे में बताया है, वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय सिंह ही है। ऐसे में मीना मानवी के मुताबिक अक्षय सिंह आज भले ही कहे, लेकिन उनके मुताबिक इस रिश्ते में तकरार के बीच उन्होंने ही शुरुआत में बोए थे। मीना मानवी ने यह भी कहा है कि पवन सिंह ज्योति सिंह से रिश्ते रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ज्योति सिंह की तरफ से होती आनाकानी इन दोनों के बीच नया बवाल लेकर आएगी। ये देखने वाली बात रहेगी फिलहाल कि आगे इनके रिश्ते का क्या होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है बताना मत भूलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।